दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट के तरफ से एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जिससे आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हो। अगर अभी तक आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो किस तरह से आयुष्मान कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकते हैं और बनाकर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में कम्प्लीट लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बताता हूँ आयुष्मान कार्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और टाइप करना है pmjay.gov.in। टाइप करने के बाद सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसी पेज पर आना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसी पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले चेक करना होगा कि आप आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके लिए I am eligible पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा। इस पेज के नीचे आना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, यहाँ पर डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। इतना करते ही नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर क्लिक करके अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करके आधार नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार नंबर डालना है। यहाँ पर क्लिक करके आप आधार नंबर को देख सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। इतना करते ही नेक्स्ट पेज आएगा। इस पेज में आपका नाम और आपके फैमिली का नाम आ जाएगा, जितने भी लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल होंगे, और आपके फैमिली में जितने भी लोगों का आयुष्मान कार्ड बना होगा, उनके नाम के सामने वेरीफाइड अप्रूव्ड देखने को मिलेगा। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड, यहाँ पर नॉट जनरेटेड देखने को मिलेगा। आप जिनका भी आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, उनके नाम के सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही कंसेंट का पेज आएगा। इस पेज के नीचे आना है और इस बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आधार OTP को सेलेक्ट कर लेना है। इतना करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालना है। यहाँ पर बेनिफिशियरी मोबाइल OTP डालना है। ये OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाले थे। अगर यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डाले हैं जो आधार कार्ड से लिंक है, तो आपके मोबाइल नंबर पर 2 OTP आएगा। कौन सा OTP कहाँ पर डालना है, चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों, मैसेज को ओपन कर लिए हैं। जो आधार वाला OTP होगा, यहाँ पर आधार लिखा देखने को मिलेगा, और जो बेनिफिशियरी OTP होगा, NHA या CMS लिखा देखने को मिलेगा। दोनों OTP डालने के बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। आधार OTP को सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज के नीचे आना है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है, अलाउ पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पर फिर से OTP आएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी आधार OTP डालना है। यहाँ पर बेनिफिशियरी मोबाइल OTP डालना है। OTP डालते ही नेक्स्ट पेज आएगा। कैमरा के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करना है। अब आपको अपना फोटो खींचना है। फोटो खींचने के लिए कैप्चर पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। इतना करते ही मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालना है। यहाँ पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ का केवल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करके मुखिया से आपका क्या संबंध है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड आधार कार्ड पर मिल जाएगा। पिन कोड डालते ही जिले का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करके अपने VLH को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। आप कुछ टाइम के बाद आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे नाम के सामने अब लिखा आ रहा है वेरीफाइड अप्रूव्ड। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको बैक आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने नाम को सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है जिसका भी आप कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। PDF को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो गया है। सो दोस्तों, इस तरह से आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।